जिसमें लगा जो भैने की तो पक्की जागी। मेरी बात सुन, कुछ कहना चाहूं सुना दे। हाँ मेहमान ताली आई,
ये जो बीच वाला बूढ़ा था वो बैठा। हाँ आई मेरे पप्पू न्यू मत ना असत में लेकर बैठ जाएंगी मैं। पप्पू कह के तो क्रीड़ा ही गड़बड़ होता है मेरा ना कितने कत्ल होंगे। एक जो बीच वाला बूढ़ा था उसके परमात्मा ने नैड मारने की बीमारी दे दी। कोई बात क्या मैं पछे नैड पला मार दी। हाँ इब जो तीसरे नंबर का बूढ़ा हो बैठे शाम आए हाय इजा लागे तो मैं पता से हूँ बड़ा बैठा रखा हूँ। इब जो तीसरे नंबर का बूढ़ा था उसका परमात्मा ने बीच में डाल लड़की बीमारी दे दी। हाँ इब वो बीच में डाल लड़के उस तरह तक कितने बार जा रहा तक कितने और जा खाट में पड़े पड़े आ गए जा। इब जो दो बूढ़े थे वे ने बोले ये भगवान है ये परमात्मा इने ईशा करिए बोला किसा करिए। हाँ इब ने बोले आर सुरते बोले हाँ चल प्रोग्राम हो रहा है रमंडो लिख ला मत न दिखा कर लाऊंगे। बोले ना भाई ना मैं नहीं जाऊंगा। बोला क्यों तुमने मेरा नहीं मेरे की बीमारी दे रखी है भगवान ने। इब ने बोले अरे चल तेरे को मेरी गाड़ी मंगवा देंगे चल प्रोग्राम दिखा कर लाऊंगे। सुमिता बेबी आ रही आ रही अनार रजनी आ रही कोमल आ रही ले जाकर बस अड्डे पर खड़ा करती है। स्कूल की छोरिया की छुट्टी का टाइम तो फारा के 2 बज रही है और जो बस आवे थी ना बस कुटी दूध बना दो दूध बना दो ठुकरी छोरिया पे ठुकरी छोरिया पे जो बस आवे थी वो बस कुटी ठुकरी छोरिया पे पकड़ते का खा में तो वो बुढ़ा उस में चढ़ा था और वी डंडी होने डंडी वी पकड़ा दिए वी डंडे पकड़ा दिए जय देव माता की वे डंडे पकड़ा दिए। उसके बाद में बोले तो माता की We'll be right back.
बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।